सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, क्या संकल्प है सर? देखिए, सत्ता संकल्प यात्रा हमने शुरू कर दी, सालासर से आगाज किया था और कल जोधपुर की धरती पे इतना भव्य स्वागत हुआ। और मैं 7 घंटे लेट था और रात को 3 बजे केरू में सभा हुई और मैं 12 बजे जब शहर जोधपुर शहर से निकला, हजारों की तादाद के अंदर भोपालगढ़, बिलाड़ा, शहर की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी, लूणी विधानसभा, जगह जगह जिस तरह नौजवानों ने स्वागत किया, रात को 3 बजे माताएं बहनें किसान उमड़ पड़े। सारे लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, उन व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। और ये जो 80-85 लाख नया वोट जो राजस्थान में जुड़ा, जो पहली बार वोट करेगा, वो चाहता है हम ऐसी पार्टी को वोट करें जो राजस्थान में भ्रष्टाचार का खात्मा करे, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई खत्म हो, बद्री माफिया का अंत हो, शराब माफिया, भू माफिया, पर्यटन माफिया का खात्मा हो और हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित कैसे हो, अपराध में हम जो एक नंबर पर आगे पीछे कैसे जाए, कांग्रेस बीजेपी के मिले जुले खेल को हम खत्म करें। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, 2009 से जो मैं आरोप लगा रहा था और खुद ही स्वीकार कर लिया सीएम ने कि वसुंधरा ने सरकार बचाई। ये मिला जुली का खेल जो चल रहा है। और दिल्ली के खिलाफ जिस तरह नौजवानों के अंदर गुस्सा, अग्निपथ को लेके, किसान बिलों को लेके किसान नाराज है, बढ़ती महंगाई, राजस्थान की ईआरसीपी विशेष राज्य का दर्जा जो पेंडिंग है, आप देख रहे हो ये आरएलपी की ललकार का ही परिणाम है कि मोदी हर तीसरे दिन यहां आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को हर 3 दिन बाद राजस्थान आना पड़ रहा है। और आपने यात्रा की भीड़ देखी होगी बीजेपी कांग्रेस के अंदर, पकड़ पकड़ के लोगों को ला रहे हैं और यहाँ 8 घंटे बाद भी लोग आशीर्वाद देने के लिए खुद अपने साधनों से आ रहे हैं। तो सत्ता संकल्प जो हमने लिया है व्यवस्था परिवर्तन के लिए, क्योंकि सत्ता के बिना व्यवस्था नहीं बदलेगी और व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता जी, एक सत्ता का संकल्प लिया जो जन समर्थन मिल रहा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मारवाड़ की नागौर से जो 43 सीट है, उनमें 43 की 43 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नंबर 1 और 2 की लड़ाई के अंदर रहेगी और 30 से ज्यादा सीटें आरएलपी मारवाड़ के अंदर जीतेगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पिछली बार भी हमने 18 का जो चुनाव लड़ा उसमें आपने देखा होगा कि आरएलपी जहां जहां लड़ी किस तरह वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिला था। हमारा वोट बढ़ा राजस्थान, उपचुनाव, पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, जो संघर्ष किया बीजेपी विपक्षी भूमिका उन्होंने थी राजस्थान में, आरएलपी थी, दिल्ली में भी आरएलपी का एक सांसद इस प्रदेश के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता। जनता देख के वोट करेगी, नौजवान देख के वोट करेगा, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यात्रा अपनी आरएलपी भी अभी यात्रा सत्ता संकल्प, सत्ता संकल्प क्या कुछ अलग है इन दोनों से जो लोग आपके साथ में, आपके तो जो आप है वो तो अलग अलग तो पब्लिक देख लेना, आप अलग हमारे मुद्दे देख लें। किसी ने टोल मुक्त राजस्थान की बात नहीं करी, आप बताइए, आप सब जानते हैं। किसी ने बेरोजगारी भत्ते की 18 में बात नहीं करी, हमने करी, बेरोजगारी भत्ता दोनों घोषणा पत्र के अंदर रखा। किसी ने नहीं कहा कि माफिया अब हम लगाम लगाएंगे, किसी ने नहीं कहा कि भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे, आयोग बनाए गहलोत ने लेकिन फिर वसुंधरा की मदद कर दी। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ चिंतित है, कौन आएगा जो इस राजस्थान को ठीक करेगा। लगता है लोगों को हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है अगर सत्ता में आती है तो किसान का कर्जा भी माफ होगा, मजबूत सशक्त लोकायुक्त बनेगा राजस्थान के अंदर, ताकि मुख्यमंत्री, एमपी, मंत्री भी एफआईआर दर्ज करने किसी की आवश्यकता नहीं हो कि सीएम की परमिशन लो, तो मुख्यमंत्री की परमिशन से होती तो कैसे मुख्यमंत्री अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, माफिया का खौफ खत्म हो और आम किसान जवान का राज राजस्थान के अंदर है, ये हमारा हटके है उससे। और जो समर्थन मिल रहा है, आपको खुद को ही लग रहा है कि एक व्यक्ति, भाई कांग्रेस बीजेपी 70 साल से बड़ी पार्टियां इस देश प्रदेश के अंदर, और उनका मुकाबला एक व्यक्ति कर रहा, किसान का बेटा, जिसके साथ किसानों और जवानों की फौज है, उसके अलावा न तो संसाधन है न कोई दूसरे साधन है, फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, मजबूती के साथ लड़ रहा हूँ लड़ाई। क्या किसी क्षेत्रीय दल से आपकी बात हुई? आपने कहा था, देखिए बीटीपी, बीएसपी और बीएपी जो नहीं बने, इनसे मेरी बातचीत रेगुलर चल रही है और हमारी कोई शर्तें भी नहीं है। हम चाहते हैं कि 80 लाख वोट जो 18 के अंदर मिला था, 1 करोड़ 39 लाख कांग्रेस पार्टी को, 1 36 बीजेपी को, 80 लाख हम सबको मिला था, उसमें मैंने 57 उम्मीदवार लड़ाए थे चुनाव। और हम चाहते हैं कि हमारा वोट बंटे नहीं, हम एक साथ कांग्रेस भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलें, प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन हो जाता तो ठीक है और नहीं होगा तो 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इस बार थर्ड फ्रंट तो हम है ही राजस्थान के अंदर, अभी थर्ड फ्रंट हम ही है, 3 MLA हमारे पास है, तो तीसरी बड़ी पार्टी हमारी विधानसभा के अंदर, आप देखिए स्कोर के हिसाब से बसपा के 6 तो टूट के चले गए, आरएलपी थर्ड फोर्थ के हिसाब से। और प्रदेश में देखो तो सांसद भी एक ही है, 24 बीजेपी और 1 आरएलपी का, तो थर्ड फोर्थ तो हमने खड़ा कर दिया। अब 23 के अंदर हम कितना वोट लेते हैं
कितनी सीटें जीते ये मायने रखते हैं, और निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं कांग्रेस बीजेपी एक दल थर्ड नंबर जा सकता है राजस्थान। गुड़ा से कोई संपर्क कोई बात नहीं, मेरी कोई बात नहीं, कोई किसी तरह की बात नहीं। बद्री बाबा से बद्री जी और बोमाराम जी यहाँ आए बैठे हैं किसी से मिलने के लिए, उनसे 10 मिनट चाय पी ली हमने, पारिवारिक रिश्ते मेरे सबसे हैं, किसी से खराब नहीं, दो चार लोगों से खराब है राजस्थान के अंदर, उनसे मेरी बात नहीं हुई, बाकी सबसे आज आपकी और वो भी वो तो सब जगह है, सब जगह है नहीं, लेकिन दावेदारी वो तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, वो यहाँ आए हुए थे और उनसे मेरा प्रेम है, अगर वो नागौर में हो कहीं और हम भी मिल लेता, ऐसे मिलना जुलना राजनीति के अंदर चलता रहता है, हम शादी ब्याह मिलना जुलना ये तो हम सब लोग आपस में करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कोई चर्चा नहीं। भूमाराम जी मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता है ओशिया के अंदर, वो दोनों किसी काम के लिए साथ आए थे, दोनों की मुलाकात एक साथ हुई, योग संयोग बढ़ गया।